हूँ रायनात, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लाई हूँ वो आप लोग टाइटल से पढ़ ही चुके होंगे किस चीज़ के बारे में है। तो आज हमारी जो वीडियो है वो जिस चीज़ के बारे में है वो है एक वाइटनिंग क्रीम के बारे में। तो ये क्रीम जो है ये मैं ख़ुद यूज़ कर चुकी हूँ और अब वो ख़त्म हो चुकी है, तो मैं अब इसको दोबारा बनाने लगी हूँ। 1 वीक मैंने इसको यूज़ किया है और 1 वीक के लिए अब हम इसको दोबारा बनाएंगे। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव क्रीम है, अगर आप लोग इसको डेली यूज़ करें तो ये आप लोगों को 100% रिज़ल्ट देगी और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्योंकि तमाम चीज़ें जो हैं इसमें यूज़ जो हो रही हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मैं इस पर रिव्यू कर चुकी हूँ सिंसी ब्राइडो वाइटनिंग क्रीम पे, मैं ऑलरेडी मैं रिव्यू कर चुकी हूँ। और अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाएँ और मेरी वो वाली वीडियो चेक करें जो मैं इस पर रिव्यू कर चुकी हूँ। देन फेयर एंड लवली के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग बखूबी जानते हैं कि ये हमारी स्किन के लिए कितनी ज़्यादा ये हमारी स्किन के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट इसमें जो हम चीज़ यूज़ करने वाले हैं वो है इवियन के या वाइटामिन ई के कैप्सूल। ये आप लोग जानते हैं कि वाइटामिन ई के कैप्सूल हमारी स्किन के लिए कितने बेस्ट हैं। तो इसमें से हम लोग 1 कैप्सूल जो है वो इसमें ऐड करेंगे 1 वीक के लिए। जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है और जो सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट है इस चीज़ में वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप लोग बखूबी जानते हैं कि हमारी स्किन के लिए कितना 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 ज़्यादा बेस्ट है। और यहाँ पे मैं कोई भी फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो एलोवेरा जेल इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो 1 वीक तक स्टे नहीं करता और वो ख़राब हो जाता है और इससे हमारी क्रीम भी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर मैं बाज़ार वाला एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ ऑलिव का, ठीक है। ऑलिव का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ और ये इसमें यूज़ है। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक खाली बाउल ले लेना है, ठीक है, और इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे एलोवेरा जेल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ 1 वीक के लिए बनाना है, तो ज़्यादा नहीं बनाना, इतना बनाना है जितना 1 वीक के लिए हमारी स्किन पे यूज़ हो सके। 1 वीक के लिए बनाना है, इससे ज़्यादा नहीं बनाना। तो यहाँ पर मैं इतनी क्वान्टिटी ले रही हूँ एलोवेरा जेल की, ठीक है। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून जो है ये मैंने ले लिया है एलोवेरा जेल और ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। नेक्स्ट इसमें हमने जो ऐड करना है वो है हमारा सबसे मेन इंग्रेडिएंट सिंसी ब्राइडो वाइटनिंग क्रीम। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है और इस पर मैं रिव्यू ऑलरेडी कर चुकी हूँ, आप लोग जाके इसका रिव्यू भी देख सकते हो। अगर आप लोग इसको वैसे भी यूज़ करना चाहो तो इसको आप लोग अलग से भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें मैं ये वाला ऐड करूँगी सिंसी ब्राइडो वाइटनिंग क्रीम। तो ये इस तरह की क्रीम है, ठीक है, तो इसको अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ये वाली क्रीम ऐड कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम जो चीज़ ऐड करने वाले हैं वो है फेयर एंड लवली। वन टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें फेयर एंड लवली ऐड कर दी है। और जो सबसे लास्ट हमारा इंग्रेडिएंट है वो है वाइटामिन ई की कैप्सूल्स। तो इस तरह से हम लोग 1 कैप्सूल जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। 1 कैप्सूल हमने लेना है और ये हमने इसमें ऐड करना है। ये 1 कैप्सूल को मैंने कट कर लिया है और इसको मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ, ठीक है। देन हमने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये एक अच्छी सी क्रीमी टेक्सचर में ये आ जाए। देख सकते हो कि कितना अच्छा इसका टेक्सचर ये बन चुका है, ये देखिए कितना अच्छा ये इसका ये टेक्सचर बन चुका है। तो इसको हम एक जार में ऐड करेंगे, 1 वीक के लिए इसको हम स्टोर करेंगे। तो मेरे पास ये वाला एक जार है, ठीक है, ये जार है और इसमें मैं ये तमाम क्रीम ऐड करूँगी। तो टेंटेड एंड ये हमारी क्रीम जो है ये
बन चुकी है और ये बहुत अच्छे से ये जो है इसमें ऐड हो चुकी है। तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये 1 वीक के लिए हमारे लिए बहुत के लिए काफ़ी है हमारी स्किन के लिए। अगर आप लोग इसको फ्रिज में रखना चाहते हो तो फ्रिज में रख सकती हूँ, क्योंकि अब गर्मियाँ भी हो चुकी हैं, लेकिन मैं इसको बाहर रखती हूँ। मैंने अभी तक इसको फ्रिज में नहीं रखा और इसको मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी है, कितनी सॉफ्ट है, ठीक है। तो इसको अभी हम ऐड करते हैं और इसको आप लोग जहाँ चाहें इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो, स्किन पे, अपने हाथों पे, नेक पे, जहाँ भी आप लोगों को ज़रूरत है आप लोग इसको अच्छे से लगा सकते हो, ठीक है। और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि इसको मैं खुद यूज़ करती हूँ और इसका साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं है। आप लोग इसको तकरीबन 7 डेज तक स्टोर कर सकते हो और 7 डेज के बाद आप लोग फिर न्यू क्रीम बनाओगी, ठीक है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।